ऑनलाइन लेक्चर इन टुडेज सो इन टुडेज दिस प्रैक्टिकल सेशन वी विल बी परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट नंबर टू व्हिच इज रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट्स फॉर एनी बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, सो हमने ये देखा कि कोई भी लॉन्ग बुलियन एक्सप्रेशन है उसको हम बूलियन ऑलजेब्रा लगा के या फिर ग्राफिकल मेथड कार्नफ मैप लगा के वो एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते। इसका मतलब क्या है कि वो जो लॉन्ग एक्सप्रेशन है और जो रिड्यूस्ड वाला एक्सप्रेशन है दोनों जो है ये सेम आउटपुट देते हैं। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल तीन वेरिएबल वाला बुलियन एक्सप्रेशन है तो ए बी सी के तीनों वैल्यू के लिए लॉन्ग एक्सप्रेशन का आउटपुट भी वही रहेगा और रिड्यूस्ड वाले एक्सप्रेशन का आउटपुट भी वही रहेगा। यानी लॉन्ग एक्सप्रेशन और शॉर्ट एक्सप्रेशन ये सेम इनपुट वैल्यूज के लिए सेम आउटपुट देगा। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम परफॉर्म करने वाले हैं कि एक लॉन्ग बुलियन एक्सप्रेशन है उसका आउटपुट उसका उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे और रिड्यूस्ड जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे और चेक करेंगे दोनों के जो आउटपुट्स है वो सेम है या नहीं है। ओके, तो इसके लिए मैं वर्चुअल एक्सपेरिमेंट की लिंक मैंने पोस्ट किया है तो मैं अपन सीधा वर्चुअल एक्सपेरिमेंट की लिंक पे क्लिक करके ही वो देखेंगे। मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर टू है उसकी लिंक मैंने अपने 6B के ग्रुप पे पोस्ट किया है। उस पे जब अपन क्लिक करते हैं तो हम ये एक वर्चुअल लैब वी लैब की वेबसाइट पे हम जाते हैं। ये वी लैब की वेबसाइट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन्होंने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद वेरियस आईआईटीज। और दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट विच वी आर कंडक्टिंग टुडेज लेक्चर इज डेवलप्ड बाय आईआईटी खड़गपुर। ओके, एंड द टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट सेज एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स। So here you can see that there are introduction, then theory, then objective, procedures, simulator, quizzes, etc. etc. Okay, तो उसमें से सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। सो अबाउट द इंट्रोडक्शन, दिस एक्सपेरिमेंट एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू एनालाइज अ लॉजिक गेट, हाउ टू एक्सप्रेस बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग लॉजिक गेट्स, ये हाउ टू एक्सप्रेस बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग लॉजिक गेट्स ये हमने थ्योरी सेशन में पढ़ा है कि अगर एक लॉन्ग एक्सप्रेशन दिया है ए इंटू बी इंटू सी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ऐसा अगर एक्सप्रेशन दिया है तो उसको लॉजिक गेट्स के फॉर्म में किस तरह से लिखना ये हम सब देख चुके हैं। देन नेक्स्ट इज हाउ टू चेक इक्विवेलेंस ऑफ टू बुलियन एक्सप्रेशंस यूजिंग लॉजिक गेट्स। सो हाउ टू चेक इक्विवेलेंस, दैट मीन्स इफ अ लॉन्ग एक्सप्रेशन इज बीइंग रिड्यूस्ड टू अ शॉर्ट एक्सप्रेशन देन हाउ टू चेक द इक्विवेलेंस ऑफ टू बुलियन एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स। सो वी विल बी चेकिंग द इक्विवेलेंस ऑफ द टू बुलियन एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग लॉजिक गेट एंड हाउ टू चेक इक्वेलेंस ऑफ टू लॉजिक सर्किट्स
कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल गेट्स। ओके, तो दो सर्किट यानी जो दो एक्सप्रेशंस है उसके हिसाब से दो सर्किट है, और वो दोनों सर्किट सेम आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये हम इसमें चेक कर सकते हैं। ओके, इन द थ्योरी पार्ट, तो इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स वी आर यूजिंग वेरियस एंड गेट्स, और गेट्स, नॉट गेट्स। सो हियर यू कैन सी दैट 7400, दिस 7400, दिस इंडिकेट्स, हियर यू कैन सी व्हाट इज द सिंबॉल, विच लॉजिक गेट सिंबॉल इज देयर इन 7400। नाइन इट इज नाइन गेट, करेक्ट, इट इज नाइन गेट। सो सेवन सेवन इंडिकेट्स दैट देर आर सेवन इनपुट्स एंड सेवन आउटपुट पोर्ट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। यू कैन सी दैट देर आर सेवन पोर्ट्स, सेवन इनपुट पोर्ट्स। ओके, सो सेवन इनपुट पोर्ट्स वन साइड, सेवन इनपुट आउटपुट एनी वेदर वी आर टेकिंग इट एज इनपुट और आउटपुट, बट सेवन पोर्ट्स आर देयर ऑन द लेफ्ट साइड एंड बॉटम साइड, एंड सेवन पोर्ट्स आर देयर ऑन द टॉप साइड। सो दैट सेवन इंडिकेट्स द सेवन पोर्ट्स, देन सेवन फोर, द फोर इंडिकेट्स दैट देर आर फोर नैंड गेट्स। ओके, सो फोर इंडिकेट्स द फोर नैंड गेट्स। सिमिलरली द नेक्स्ट कंपोनेंट इज 7402, सो दिस इज अ क्वाड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर गेट। ओके, सो द सिंबल सेज इट इज अ नॉर गेट। सो सेवन इंडिकेट्स दैट फोर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर देयर, एंड फोर इंडिकेट्स द फोर नॉर गेट्स। ओके, सिमिलरली 7404 कंटेन्स विच गेट, विच टाइप ऑफ गेट? यस, 7404, 7404 ये कौन सा गेट है? एनीबडी? ये 7404 वाला कौन सा गेट है? मेरी आवाज आ रही है क्या? नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट, करेक्ट, इट इज नॉट गेट, राइट राइट, इट इज अ नॉट गेट। एंड द लास्ट वन इज नॉर गेट, 7432, दीज आर द नॉर गेट्स। तो यहाँ पे नीचे में दिया भी है, फिगर वन रिप्रेजेंट 7400 क्वाड टू इनपुट नैंड गेट्स, फिगर टू 7402 क्वाड टू इनपुट नॉर गेट्स, फिगर थ्री 7404 हेक्स इन्वर्टर। सो हेक्स इन्वर्टर मीन्स, इन्वर्टर मीन्स नॉट गेट। सो व्हाट द नॉट गेट डज, इट रिवर्सेस, इट इन्वर्सेस द इनपुट। इफ द इनपुट इज जीरो इट गिव्स द आउटपुट वन, इफ द इनपुट इज वन इट गिव्स द आउटपुट जीरो। सो इट रिवर्सेस द इनपुट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हेक्स इन्वर्टर। नाउ वाई इट इज कॉल्ड हेक्स, बिकॉज हियर यू कैन सी दैट इन 7404 देर आर सिक्स नॉट गेट्स, सो दिस हेक्स रिप्रेजेंट्स सिक्स नॉट गेट्स। देन 7432, सो द फिगर फोर, इट इज अ क्वाड टू इनपुट ऑर गेट। क्वाड बोला तो देर आर फोर ऑर गेट्स आर देयर, दैट इज वाई दे हैव यूज्ड क्वाड एंड टू इनपुट ऑर गेट्स। ओके, नाउ ऑर गेट्स कैन बी टू इनपुट, थ्री इनपुट, फोर इनपुट, मोर देन वन इनपुट कैन हैव इन द ऑर गेट्स, बट दिस पर्टिकुलर ऑर गेट हैज गॉट टू इनपुट्स, सो दैट इज वाई इट इज रिप्रेजेंटेड एज 7432 क्वाड टू इनपुट ऑर गेट। सो दीज आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स दैट वी आर यूजिंग इन दिस एक्सपेरिमेंट। देन द ऑब्जेक्टिव, द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू फुल्ली अंडरस्टैंड द फंक्शन एंड यूज ऑफ लॉजिक गेट्स। ओके, सो दीज आर द वेरियस कमर्शियली अवेलेबल अवेलेबल लॉजिक गेट्स इन द मार्केट, 7400, 7402, 7404, 7408,
7432. So how these commercially available logic gates can be used for realizing a Boolean expression, so that we are learning through this experiment. Okay. Now the procedure is there. Okay. Now here there are four circuits. So here you can see that part one, then part two, part three, and part four. But we are not performing experiment on all the four circuits. We are only conducting part one, okay, experiment one. So how to perform this experiment, that we will see. Now go to simulator. So I will press simulator. So in the simulator, the blank screen appears. But when you go down to the bottom, so here it says, click here for the JavaScript simulators. Okay. So for the JavaScript simulators or for the JavaScript platform, you need to click it here. So once you click here you can see that there are four experiments: first experiment, second experiment, third experiment, and fourth experiment. But we will be performing only first experiment. We are not performing all the four experiments. We are performing only the first experiment. Okay. So rest of the three experiment, that is second, third, and fourth, we are not performing. You don't have to write anything about second, third, and fourth experiment. You only have to write experiment one or first experiment. Okay. So click on the first experiment. So once you click on the first experiment, here you can see this complex circuit, okay? And at the top of the circuit, it is written that verification of AB plus A complement C plus BC equal to AB plus A complement C. And then what that means, we need to verify whether the output from the expression on the left side of equal to sign is same as that of the expression on the right side of the equal to sign. Any AB plus A complement C plus BC, इसका जो आउटपुट है, और AB plus A complement C, इसका जो आउटपुट है, ये सेम है या नहीं है? ओके? तो ये हमको चेक करना है ये एक्सपेरिमेंट में. तो आपको समझ में आया हमको ये एक्सपेरिमेंट में क्या है? हमको जो दो बुलियन एक्सप्रेशन है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो बुलियन एक्सप्रेशन है और इक्वल टू के राइट साइड में जो बुलियन एक्सप्रेशन है, ये दोनों जो है ये सेम आउटपुट देते हैं फॉर सेम कंडीशन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स. ये हमको चेक करना है. तो उसके लिए ये जो सर्किट है, अब ये सर्किट आपको शायद मोबाइल पे बराबर नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा सर्किट मैंने बोर्ड पे बनाया है. तो ये सर्किट को मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ, और बोर्ड पे पहले सर्किट हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो है हम वापस जो है ये एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हैं. ओके. तो Now, are you able to see this blackboard, Yes, sir. whiteboard? What we are just seeing in the virtual experiment, the same diagram is drawn over here. And the expression which we are verifying is this expression. This is that expression which we are verifying by using the logic gates or by using the logic gate circuit. Okay. Now here
The expression is AD plus A complement C plus BC is equal to AD plus A complement C. That means a long Boolean expression is reduced by using Boolean algebra or Carnot map to a reduced form. We have used graphical method or analytical method, and we have reduced this long expression to a smaller one. But in this experiment, we are checking whether both the expressions are given the same output for the same input variables. Okay, so same input variable के लिए equal to के लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर, और सेम इनपुट के लिए इक्वल टू के राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर सेम आना चाहिए. ये हम ये एक्सपेरिमेंट में चेक करने वाले हैं. ओके, सो दिस इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. नाउ हियर यू कैन सी इन दिस एक्सप्रेशन हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर. थ्री देयर आर थ्री वेरिएबल्स ए बी एंड सी. सो हियर यू कैन सी दैट वी हैव टेकन थ्री वेरिएबल्स ए बी एंड सी. ओके, so now first this expression. Okay, so this is left hand side. So this left hand side expression का जो लॉजिक गेट का सर्किट है वो ऊपर वाला है. ये जो ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है ये है लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट, और ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट, और इसका ये आउटपुट है. ये जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है उसका जो सर्किट है वो ऊपर वाला है, और ये उसका आउटपुट है, ये राइट हैंड साइड का. राइट हैंड साइड यानी ये एलईडी अगर ग्लो हो गई इसका मतलब आउटपुट इज हाई, यानी आउटपुट वन है. अगर ये एलईडी ग्लो नहीं हुई इसका मतलब आउटपुट क्या है, जीरो. सिमिलरली ये जो राइट हैंड साइड का है, राइट हैंड साइड इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसका जो सर्किट डायग्राम है बाय यूजिंग लॉजिक गेट वो ये बॉटम पार्ट में है, और इसका जो आउटपुट है यानी आउटपुट में वन है कि जीरो है ये इंडिकेट कर रहा है ये वाली जो एलईडीज है. तो इसको मैं सॉरी दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. तो ये जो एलईडी है ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के लिए, और ये जो एलईडी है ये राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के लिए. ये वाली एलईडी जो है ये राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के लिए. अब ये थोड़ा सा ये समझते हैं, यहाँ पे ये तीन कंपोनेंट यूज किए हैं. तो सबसे पहले ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं. तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट यूज किया है. पहला है 7404 हेक्स इन्वर्टर. ओके, तो ये नॉट गेट वाला जो ये है हेक्स इन्वर्टर ये हमने यूज किया. फिर 7408 फॉर टू इनपुट एंड गेट. तो ये चार एंड गेट की कॉम्बिनेशन वाला 7408 ये वाला हमने यूज किया, और यहाँ पे 7432 फॉर टू इनपुट ऑर गेट, यानी चार ऑर गेट का कॉम्बिनेशन वाला एक कंपोनेंट यूज किया. क्योंकि ये एक्सप्रेशन में क्या है देखो, ए इनटू बी, तो ए इनटू बी बोला तो वहां पे एंड गेट का जरूरत है. देन प्लस है, तो प्लस है बोला तो यहाँ पे हमको ऑर गेट भी चाहिए. देन यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट है यानी इसका मतलब हमको नॉट गेट भी चाहिए. तो हमको हमको मल्टीप्लीकेशन करना है इसलिए हमको एंड गेट चाहिए, हमको एडिशन करना है इसलिए हमको और गेट चाहिए, और हमको इनपुट इनवर्स भी करना है तो उसके लिए नॉट गेट भी चाहिए. तो इसलिए हमने ये तीन कंपोनेंट यूज किए. सिमिलरली राइट हैंड साइड का अगर एक्सप्रेशन देखा जाए ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे भी एडिशन है, और यहाँ पे भी इनवर्स करना है तो नॉट गेट भी लगेगा. तो इसलिए यहाँ पे भी सेम 7404 हेक्स इन्वर्टर, 7408 फॉर टू इनपुट एंड गेट,
और 7432 कोड टू इनपुट और गेट, ये तीन कंपोनेंट हमने यूज किए। अब सबसे पहला वाला जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो देखते हैं। पहले क्या है, a इंटू बी यानी a और b का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एक a से आया और ये a से आया और ये एंड गेट के पहले वाले इनपुट में यहाँ पे कनेक्शन दिया है, ठीक है। दूसरा क्या है, d, तो ये कनेक्शन कहाँ से आया, ये बी से आया और ये दोनों का ए इंटू बी हुआ, ए इंटू बी, तो आउटपुट में क्या मिला, ए इंटू बी, तो ये यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है ए इंटू बी, ओके। तो ये हमारा हो गया। फिर क्या चाहिए हमको, ए कॉम्प्लीमेंट सी, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ पे क्या किया हमने, ए से जो कनेक्शन आ रहा है उसका नॉट किया और यहां से आउटपुट लिया, ओके। यहाँ पे जो है ये ए है और यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है क्योंकि ये नॉट गेट से होते हुए जा रहा है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ जा रहा है, ये दूसरे एंड गेट, ये जो एंड गेट है दूसरे एंड गेट में एंड इनपुट करके जा रहा है, उसका जो दूसरा इनपुट है एंड गेट का दूसरा इनपुट क्या है, सी है, तो हमने ये सी में से एक वायर जो है ये वाले एंड गेट के पहले वाले इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया, ओके। तो यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट सी। अब देखो उसके बाद दो हो गए हमारे, ए बी हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट सी हो गया, तीसरा क्या है, बी सी है, तो और एक हमको एंड गेट यूज करना पड़ेगा, तो ए जो है ये बी का कनेक्शन इसके इनपुट के साथ कर दिया, सी का कनेक्शन इसके इनपुट के साथ कर दिया, और इसको जो उसका जो आउटपुट है बी सी, ये हमको मिल गया, तो 3 नंबर के आउटपुट पे हमको ए बी मिल रहा है। यहाँ पे 11 नंबर के आउटपुट पे हमको एक कॉम्प्लीमेंट सी मिल रहा है और 6 नंबर के आउटपुट पे हमको बी सी मिल रहा है, ओके। अब हमको क्या करना है, इसका एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए सबसे पहले ए बी और बी सी करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये और गेट है, और गेट क्या करता है, ऐड करता है, तो इसका ए बी का जो एडिशन है वो यहाँ पे ऐसे इनपुट करके गया है, और हाँ ए बी के बाद क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट सी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट सी का जो कनेक्शन है ये वाले और गेट के दूसरे इनपुट में हमने अटैच किया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिला आपको, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, ये आपको यहाँ पे आउटपुट मिला। अब इसमें हमको और क्या ऐड करना है, बीसी ऐड करना है, बीसी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, तो ये जो है ये और गेट के एक इनपुट में डाला और इसका जो आउटपुट है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, इसका जो आउटपुट है ये दूसरे वाले और गेट के इनपुट में हमने डाला, तो आपको आउटपुट में क्या मिला, यहाँ पे आपको आउटपुट में यहाँ पे क्या मिला, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी, ये आपको ये आउटपुट मिला, तो ये आपको समझ में आया क्या, यस हाँ ये आउटपुट में ये एक्सप्रेशन का आंसर 1 है, ये यस, तो ये एक्सप्रेशन का आंसर 1 है कि 0 है, उसके लिए हमने ये एलईडी है, ये एलईडी के साथ उसका कनेक्शन किया। सेम तरीके से हमने क्या किया, ये ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, इसका भी यहाँ पे कनेक्शन किया, तो इसमें सबसे पहले क्या है, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी यानी एंड गेट, तो एंड गेट के लिए ए से एक कनेक्शन दिया, बी से एक कनेक्शन दिया और यहाँ पे ए इंटू बी मिला हमको, अब ये ए इंटू बी यहाँ पे हमको मिल गया। दूसरा क्या है,
दूसरा मल्टीप्लीकेशन किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट और सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट बोला तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पे ये नॉट गेट है, यहाँ से ए इनपुट मिलेगा और ए कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में मिलेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे एंड गेट के पहले इनपुट में, और सी ये दूसरे एंड गेट के दूसरे इनपुट में, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट सी। तो यहाँ ए भी मिला, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट सी मिला। अब इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो ये और गेट में दोनों से एक-एक इनपुट यहाँ पे डाले और आउटपुट में आपको यहाँ पे मिलेगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इनटू सी। और उसका जो आंसर है ये हाई है या लो है, 0 है या 1 है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये वाली एलईडी इंडिकेट। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ओके गुड गुड। तो अभी हम देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल पहले बनाते हैं, क्योंकि ट्रूथ टेबल बनाने के बाद हम उसको सर्किट पे क्रॉस चेक करेंगे। तो इसका ट्रूथ टेबल अगर बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाते हैं यहाँ पे, इनपुट है और आउटपुट में क्या चाहिए हमको, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी, ये पहला एक्सप्रेशन है, और दूसरा है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। ये इनपुट वैल्यूज है, ये आउटपुट वैल्यूज है। अब ये इनपुट वैल्यूज जो है इनके क्या क्या कॉम्बिनेशन रह सकते हैं वो पहले लिख लेते हैं। तो 0 0 0 दिस इज फर्स्ट कॉम्बिनेशन, 1 0 0 ये दूसरा कॉम्बिनेशन, 0 1 0 ये तीसरा कॉम्बिनेशन, 0 1 1 ये हो गया, दिस इज 0 दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 2 प्लस 1 3 देन 4 देन दिस इज 5 देन दिस इज 6 एंड दिस इज 7। सो दीज आर द 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दैट वी कैन हैव फॉर ए बी एंड सी। ओके सो फर्स्ट सी, यस ए इज 0 बी इज 0 सी इज 0, सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो ए इनटू बी, 0 इनटू 0 इज 0 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट यानी 0 1 1 इनटू सी इज 0 अगेन 0 प्लस बी सी इज 0 0 है तो 0, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। इसका बताओ ए इनटू बी, सो ए इनटू बी इज 0 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इनटू सी इज अगेन 0 बी सी अगेन 0, ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देन यहां पे ए इनटू बी इज 0, ए इनटू बी इज 0 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट इनटू सी अगेन 0 प्लस क्या है बी सी, सो बी सी भी फिर से क्या आएगा, 0, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। और इसका क्या आएगा, ए इनटू बी इज 0 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। अब ए कॉम्प्लीमेंट बोला तो 0 का 1 और सी, सो 1 इनटू 1 इज 1 प्लस बी सी, सो बी सी इज 1 एंड वी नो दैट 1 प्लस 1 इज 1, सो हियर आउटपुट विल बी 1। देन ए बी, सो ए इनटू बी इज 0 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, सो ए कॉम्प्लीमेंट 1 का 0 हो जाएगा तो 0 प्लस बी सी, बी सी भी 0 है 0, तो यहां पे आपको 0 मिलेगा। देन
इंटू बी इज जीरो, ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट जीरो है तो फिर जीरो प्लस बी सी, बी सी अगेन जीरो, आपको जीरो मिलेगा। देन ए बी, ए बी इज वन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट सी इज जीरो प्लस बी सी, बी सी इज अगेन जीरो, तो आंसर विल बी वन। एंड दिस इज ए बी, ए बी इज वन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट सी इज जीरो प्लस बी सी, बी सी इज अगेन वन, एंड वन प्लस वन इज अगेन वन। सिमिलरली फॉर दिस एक्सप्रेशन ए बी, सो ए बी इज जीरो प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी इज अगेन जीरो, सो आंसर इज जीरो। देन ए बी, ए बी इज जीरो प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी इज वन, पहले कॉम्प्लीमेंट सी वन, ए कॉम्प्लीमेंट सी इज वन, सो हियर वी आर गेटिंग आउटपुट एज वन। सर उसमें भी चेंज कर देगा, वन आएगा यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट सी यानी दिस इज वन, वन इनटू सी इज वन, यहाँ पे आएगा वन, अभी बराबर है। इसका क्या आएगा, ए बी जीरो प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी जीरो, देन ए बी, ए बी इज जीरो प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट सी इज वन, वन, देन ए बी इज जीरो प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी इज जीरो, एंड ए बी इज जीरो प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इनटू सी इज जीरो, ए बी इज वन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी इज जीरो, सो आंसर विल बी वन। एंड ए बी इज वन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इनटू सी इज जीरो, सो आंसर इज वन। सो इफ यू लुक एट दिस ट्रुथ टेबल, देन द आउटपुट ऑफ बोथ द एक्सप्रेशन आर सिमिलर, output of both the expressions are similar, at least on this truth table. We have not checked it by using the logic gates. But on this truth table, both the expressions are showing the same output. Okay? So, ये जो truth table है, ये आपको experiment में बनाना है. Okay? ये truth table आपको बनाना है. Okay? बनाना बहुत ही आसान है. तो आप इसको बना लेना. अब क्या करेंगे? ये truth table को हम चेक करेंगे वर्चुअल एक्सपेरिमेंट से, इसलिए इसलिए फिर से हम वापस वो एक्सपेरिमेंट में जाते हैं। Okay, now can you see this circuit? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Now, first combination is say 0 0 0, that means A is 0, B is 0, C is 0, and for this here you can see that both the LEDs are off, that means we are getting the output in both the expression cases are 0. Then when A is 0, B is 0, the second combination is
कि ए जीरो है, बी जीरो है, सी वन है, तो अगर ए जीरो है, बी जीरो है, सी वन है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सी को वन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों जो एलईडीज है वो क्या हो गई, ग्लो हो गई, दैट मीन्स दोनों में आउटपुट जो है वो क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। और अगर ए को जीरो रखता हूं, बी को वन रखता हूं, सी को फिर जीरो रखता हूं, सी को जीरो रखता हूं, बी को वन रखता हूं, ओके, ए जीरो, आपको ए का स्विच दिख रहा है क्या? नो सर। अच्छा, ये ए का स्विच मेरे इसमें से भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप लैपटॉप में देखोगे या फिर आप अपने मोबाइल में भी देखोगे ना, वो लिंक पे क्लिक करके, तो आपको दिखेगा कि मेरे इसमें अभी गायब हो गया, अभी तक था वो, अभी गायब हो गया वो, लेकिन दिखता है, उसकी चिंता मत करो। तो अपन और एक कॉम्बिनेशन चेक करते हैं कि ए जीरो है, बी वन है, सी जीरो है। सो ए जीरो है, बी वन है, सी जीरो है, इस केस में भी आपको आउटपुट जो है वो जीरो जीरो मिल रहा है, तो अपने ट्रुथ टेबल के हिसाब से हम सही जा रहे हैं, ठीक है। फिर और एक है, ए जीरो है, बी वन है, सी वन है, सो ए जीरो है, बी वन है, सी वन है, इसमें आउटपुट वन मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको आउटपुट में दोनों एलईडीज जो है वो ग्लो दिख रही है, इसका मतलब ये जो सर्किट है ये हमारे ट्रुथ टेबल के हिसाब से काम कर रहा है। अब क्योंकि ए का स्विच मुझे दिख नहीं रहा है, तो ए की वैल्यूज मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो आपको जो है वो ए का स्विच भी दिखेगा, और आप पूरा ट्रूथ टेबल जो है ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ट्रूथ टेबल के हिसाब से ही एलईडीज ग्लो हो रही है या नहीं है। ओके, सो दिस इज द वर्चुअल एक्सपेरिमेंट ऑन बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग लॉजिक गेट्स। तो अभी इसमें ये एक्सपेरिमेंट हो गया, अभी इसमें लिखना क्या है क्या? तो जो आपको लिखना है, जैसा कि मैंने बोला, सिर्फ एक्सपेरिमेंट वन के लिए ही लिखना है, यानी इसमें इसमें जो हमने देखा ना, चार पार्ट है, उसमें से सिर्फ पार्ट वन का ही लिखना है। तो पार्ट जो आपको लिखना है वो इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद थ्योरी जो दिया है ये थ्योरी नहीं लिखना है, ओके, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, ये तीन लिखना है, उसके बाद ट्रुथ टेबल बनाना है, और ये जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम, इसका जो प्रिंटआउट है, यानी इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसका प्रिंटआउट उसके साथ ये लगाना है, प्रिंटआउट बोला तो पीडीएफ में ही इसका जो स्क्रीनशॉट है वो लगाना है। समझ में आया क्या क्या करना है? इंट्रोडक्शन राइटिंग में इंट्रोडक्शन लिखना है, थ्योरी लिखना नहीं है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर और सर्किट डायग्राम का स्क्रीनशॉट, ये चार लिखना है, इसके अलावा ट्रूथ टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है, ओके, इतना काम है आपका, क्लियर है? यस सर। ओके, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर और सिमुलेटर में जो सर्किट डायग्राम का स्क्रीनशॉट, ये चार चीजें, और प्लस ट्रूथ टेबल जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, कि इतना आपको लिखना है। अब इस पे कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट टू पे जो है एक क्विज क्विज लेना है, तो ये क्विज का जो लिंक है, एक मिनट, ये क्विज का लिंक जो है ना, ये मैं यहाँ पे अभी आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ,
एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर मिस्टर बेटर क्या सर क्विज का, क्विज क्विज का लिंक मैंने डाल दिया है और क्विज ओपन है, ओके तो क्विज का लिंक डाल दिया है, आप क्विज अटेम्प्ट करो, ओके 10 क्वेश्चन है उसमें, वो अटेम्प्ट करो और 20 मिनट्स का क्विज है, 2:30 बजे तक ओपन रहेगा, 2:30 बजे लिंक क्लोज हो जाएगी, ठीक है। क्विज का लिंक मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, आप इमीडिएटली ग्रुप पे जाके क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके तो आप इमीडिएटली ग्रुप पे जाओ, क्विज अटेम्प्ट करो, क्विज जो है वो 2:30 तक ओपन रहेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा, ओके सर। हाँ सर, प्रोसीजर में सिर्फ पार्ट वन का प्रोसीजर लिखना है? हाँ सिर्फ पार्ट वन का, पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर नहीं लिखना है, क्योंकि वो डायग्राम जो प्रोसीजर में है, प्रोसीजर का डायग्राम नहीं, वो डायग्राम नहीं बनाना है, वो डायग्राम का स्क्रीनशॉट हम ले रहे हैं ना। हाँ सर। हाँ तो डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, प्रोसीजर में डायग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि प्रोसीजर में जो सर्किट डायग्राम है वही साइड सर्किट डायग्राम का हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम वो जो सर्किट डायग्राम है वो उसका फोटो हम वहां पे अटैच कर रहे हैं, तो वहां पे फिर वो डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, जो आपको करना है वो है ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल आपको बनाना है। यस सर। और कुछ और क्वेश्चंस? नो सर। ओके तो आप जो है क्विज अटेम्प्ट करो, क्विज सबमिट करो, ओके सो आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हियर, सो थैंक यू वेरी मच, यू गो एंड अटेम्प्ट द क्विज, सबमिट योर क्विज, क्विज विल रिमेन ओपन अप टू 2:30, सो यू अटेम्प्ट द क्विज एंड देन दैट्स इट, एक्सपेरिमेंट नंबर टू, एंड यू नीड टू सबमिट द एक्सपेरिमेंट टू ऑन मूडल वेबसाइट, जैसा आपने एक्सपेरिमेंट वन का सबमिट किया है वैसा ही मैं मूडल वेबसाइट पे लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां पे आपको एक्सपेरिमेंट नंबर टू सबमिट करना है, इसका जो सबमिशन डेट है वो है नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे यानी 28 मई, 28 मई तक आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है ये सबमिट करना है, इसके में राइटिंग का काम बहुत ही मिनिमम रखा है, स्क्रीनशॉट एक वो अटैच करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है, ओके हार्डली आधे घंटे का काम है, ठीक है, ओके सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस प्रैक्टिकल सेशन, यू कैन लीव द मीटिंग, हमें टेक अटेंडेंस ले लेना, ओके 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 सो नाउ यू कैन, ओके थैंक यू, सो यू कैन लीव द मीटिंग नाउ, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।